जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके सामने ये रेल लीर करके पैकेट मिनरल वाटर है। ये है तो सरकारी मिनरल वाटर, रेल कॉरपोरेशन की तरफ से चलता है, सील पैक वगैरह सब बराबर है। मैं इसकी शिकायत करने के लिए नहीं आया हूं, पर आपको एक बहुत प्यारी चीज़ प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बताना चाहूँगा। अब ये जो बॉटल आपको नज़र आ रही है, हर कोई देख के इसे बोल रहा होगा ये एक पेट बॉटल है, PET। और स्टैंडर्ड तौर पे जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टैंडर्ड होते हैं, उस स्टैंडर्ड में किस प्रकार का प्लास्टिक है इसकी जानकारी आपको सिंबल के जरिए देना होता है, और उसके लिए हम हमेशा बॉटम देखेंगे। अब बॉटम में आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे पेट का कोई सिंबल तो नज़र नहीं आ रहा, पर यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। अब अगर रिसाइकलिंग डिजिट की बात करें तो पेट की रिसाइकलिंग डिजिट 2 नंबर नहीं बल्कि 1 नंबर होती है, और यहाँ पे 2 नंबर नज़र आ रहा है। तो देखिए किस तरह कॉस्ट कटिंग होती है, इस तरह के बेगर सिंबल के बॉटल्स कम कॉस्ट कटिंग में बन जाते हैं, और इसके स्टैंडर्ड की कोई मात्रा नहीं होती। तो मैं भारतीय रेलवे और सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि ये कॉस्ट कटिंग किस वजह से की जा रही है। चलिए, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।